वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। CBSE के बाद UP माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। इससे पहले परिषद 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर चुका है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभिभावकों ने परीक्षा रद्द होने से राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन इस सवाल ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है कि स्थगित परीक्षा के अंक बोर्ड किस आधार पर और कैसे देगा। पढ़ाई में औसत छात्रों के लिए तो परीक्षा का रद्द होना राहत भरा हो सकता है, लेकिन कक्षा, स्कूल व प्रदेश में अव्वल आने वाले छात्रों व उनके पेरेंट्स इस सवाल को लेकर खासे परेशान हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि अब बोर्ड के स्टूडेंट की मार्कशीट कैसी होगी। हालांकि सरकार ने बोर्ड को इन सभी बिंदुओं पर अपनी स्पष्ट राय दे दी है। देखना यह है कि बोर्ड इन्हें कैसे लागू करता है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstByte.tv। परीक्षा रद्द होने के बाद फिलहाल यह तो स्पष्ट हो गया है कि आगे की कक्षा में प्रमोशन के लिए कोई पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनकी बाकायदा मार्कशीट तैयार की जाएगी। 11वीं से 12वीं में प्रमोशन के लिए 11वीं के अंकों व 12वीं के प्री बोर्ड के अंकों को मान्यता दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने 12वीं के परिणाम के लिए यह व्यवस्था भी दी है कि यदि किसी कारणवश छात्र ने प्री बोर्ड नहीं दिया है तो उसे ही प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए 11वीं व 10वीं की परीक्षा के अंकों के आधार पर यह प्रमोशन किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यूपी बोर्ड में 12वीं के छात्रों का सामान्य प्रमोशन होगा, लेकिन यदि छात्र चाहे तो अगले साल परीक्षा दे सकता है। फिलहाल प्रमोशन किया जाएगा, मतलब अगर कोई अपने प्रमोशन से संतुष्ट नहीं है तो अगले साल वह फिर से परीक्षा दे सकता है। अगर ऑफलाइन एग्जाम की स्थिति बनती है तभी उन्हें यह परीक्षा देने की अनुमति होगी, अन्यथा नहीं। इन तमाम बिंदुओं पर सरकार ने भले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया हो, लेकिन अभी भी तमाम सवाल और उनके जवाब दिए जाने बाकी हैं। जवाब पाने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कोरोना संक्रमण के इस दौर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।